हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों SBI का मुनाफा घटने के बावजूद बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउस ने SBI का शेयर खरीदने की सलाह दी है। इन सब बातों की आगे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। SBI का शेयर जाएगा 560 रुपये तक, मिलेगा 40% का फ़ायदा। रिजल्ट के बाद एक हफ्ते में शेयर 40% से ज़्यादा बढ़ा। मुनाफा घटने के बावजूद SBI के शेयर को खरीदने की सलाह ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 525 तक शेयर का लक्ष्य है, मैक्वायर 450 का लक्ष्य है और CLSA ने कहा है कि 560 तक ये शेयर जा सकता है और कोटक इंस्टीट्यूशनल ने कहा है कि ये 450 तक जा सकता है और क्रेडिट स्विस ने कहा है कि 460 तक और जेफ्रीज ने 480 तक कहा है और मोतीलाल ओसवाल ने जो कहा है कि 475 रुपये का इन्होंने लक्ष्य बताया है। इस साल मई में बैंक का शेयर 149 रुपये पर था, जो एक साल का निचला स्तर था। शुक्रवार को एक ही दिन में इसके शेयर में 15% की बढ़त इंट्राडे में रही। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के शेयरों में आगे ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। तमाम ब्रोकरेज हाउसों ने इसके शेयरों का लक्ष्य बढ़ा दिया है। यह शेयर 560 रुपये तक जा सकता है, इसमें 40% का फायदा हो सकता है। चालू हफ्ते में इसका शेयर 40% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तीसरी तिमाही में फ़ायदा घटा। बता दें कि दिसंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा घटकर 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा है, बावजूद इसके शेयरों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है। शुक्रवार को तो इसकी कीमत 15% तक बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरे फंसे कर्ज यानी NPA पर इसने अच्छा काम किया है। देशी विदेशी ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं खरीदने की सलाह। देशी विदेशी दोनों ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर तेज़ी की राय रख रहे हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA ने इसे 560 रुपये के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। रिजल्ट से पहले इसका लक्ष्य 385 रुपये रखा गया था, यानी रिजल्ट के बाद इसके लक्ष्य में 45% की तेज़ी देखी जा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने 525 रुपये का लक्ष्य दिया है, रिजल्ट से पहले इसने 350 रुपये का लक्ष्य रखा था, अब वहाँ से इसमें 50% का इजाफा कर दिया है। क्रेडिट स्विस का लक्ष्य 460 रुपये। इसी तरह क्रेडिट स्विस ने इस शेयर को 460 रुपये तक जाने का अनुमान जताया है। रिजल्ट से पहले इसका लक्ष्य इसने 270 रुपये रखा था, यानी इसने रिजल्ट के बाद का इसका लक्ष्य 70% तक बढ़ा दिया है। जेफ्रीज ने इसका लक्ष्य रिजल्ट के बाद 41% बढ़ा दिया है। इसका अभी का लक्ष्य 480 रुपये है, जबकि रिजल्ट से पहले 340 रुपये का लक्ष्य था। मैक्वायर ने इसका लक्ष्य 450 रुपये रखा है, रिजल्ट से पहले 360 रुपये का लक्ष्य था। कोटक का लक्ष्य 450 रुपये का। घरेलू ब्रोकरेज हाउस में कोटक इंस्टीट्यूशनल ने इसका लक्ष्य रिजल्ट के बाद 450 रुपये कर दिया है। इससे पहले यह लक्ष्य 340 रुपये का था, यानी 32% का फायदा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने इसका लक्ष्य 475 रुपये रखा है। HDFC सिक्योरिटीज ने इसे 455 रुपये के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है, यानी 15% के करीब फायदा मिल सकता है। टॉप 10 में बनाई जगह। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में इसने जगह बना ली है। इसका मार्केट कैप 3.50 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा है। शुक्रवार को इसका शेयर 393 रुपये पर बंद हुआ था, हालांकि सुबह में यह 408 रुपये तक जा पहुंचा था। मई में बैंक का शेयर 149 रुपये था, उस समय इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.33 लाख करोड़ रुपये था। तब से अब तक इसका शेयर 250 रुपये बढ़ चुका है, मार्केट कैप 2.30 लाख करोड़ रुपये बढ़ चुका है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू।